तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम उस बात के बारे में जिक्र कर ही लेते हैं जो कि आजकल सबसे ज़्यादा सबके दिमाग में चलने वाली बात है कि अभी तक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, गुजरात, EMP में कोयलों से निकासी कितनी हो चुकी है। अप्रैल से लेकर जून तक निकासी कितनी हुई है, और आपको बता दूँ जो भी मैं निकासी का एवरेज बताऊँगा वो 100% से बताऊँगा। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग उसको ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर पहले नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि अभी तक लोडिंग हुई थी वो कितनी हुई है, कितनी हुई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला के क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों से। तो अपने कन्नौज जिला के क्षेत्र स्टोरों में अभी तक मुझे जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कन्नौज क्षेत्र में 18% से लेकर 22% तक की निकासी हो चुकी है। और लोडिंग की बात करें तो लोडिंग 60% से लेकर 65% की हुई थी, और जो 60% से लेकर 65% की लोडिंग थी तो हम जो आपको निकासी बताएं वो 100% के हिसाब से बताए हैं, और जहाँ की भी बताएंगे वो 100% के हिसाब से ही बताएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताएं कि अपनी राय आप लोग कमेंट में बता दें। तो अब अगर बात करें अपने छिबरामऊ क्षेत्र की, तो छिबरामऊ क्षेत्र में 20% से लेकर 22% की निकासी अभी तक हो चुकी है, और लोडिंग 65% से लेकर 68% के बीच में हुई थी 2020 में। और जो भाव चल रहे हैं, भाव भी आपको बता दें, छिबरामऊ जो न्यू हाईलैंड है इस समय लमसम मान के चलो आप 1150 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक प्रति कट्टा, जिसमें वजन 50 से लेकर 55 के बीच में होगा। तो और जो 37-97 है वो 950 से लेकर 1000 रुपये, और 1020 रुपये 30 रुपये इस हिसाब से चल रहे हैं। तो अब आइए बात करें अपने फरकाबाद क्षेत्र की कि फरकाबाद क्षेत्र में निकासी कितनी हुई है और लोडिंग कितनी हुई थी 2020 में। तो फरकाबाद क्षेत्र में 18% से लेकर 19% की निकासी हुई है कोल्ड स्टोरों से, और लोडिंग की बात करें 65% से लेकर 68% हुई थी 2020 में। और भाव लमसम सेम ही चल रहे हैं हर जगह, 950 से लेकर 1150 रुपये मान लो आप, जो मीडियम वो 950, जो अच्छा थोड़ा वो 1000, और जो ज़्यादा अच्छा 1050, जो ज़्यादा अच्छा वो 1150 रुपये लास्ट है इस समय। तो आइए अब बात करें हम अपने आगरा क्षेत्र की। सभी लोगों की डिमांड होती है कि आगरा क्षेत्र में निकासी कैसी क्या चल रही है, तो आगरा क्षेत्र में बहुत अच्छी निकासी है इस समय। आगरा क्षेत्र में प्रकाश जुरल सर ने मुझे बताया है, उधर के जो बड़े लोडर साहब जी हैं, तो उन्होंने बताया कि निकासी जो है वो 22% से लेकर 24% तक हो चुकी है, और जो लोडिंग हुई थी वो 60% से लेकर 65% तक हुई थी 2020 में। तो भाव जो है 950 से लेकर 1150 रुपये, भाई मैंने आपको बता ही दिया हर जगह लमसम यही चल रहे हैं। तो अब बिहार समस्तीपुर जिले की बात करूँ मैं, तो बिहार समस्तीपुर में जो आजकल के भाव चल रहे हैं वो 2200 रुपये से लेकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल C40 आलू के हैं, और जो निकासी हुई है वो 30% से लेकर 32% की निकासी हो चुकी है बिहार समस्तीपुर जिले में, और जो लोडिंग हुई थी वो 60% से लेकर 70% के बीच में हुई थी। तो अब बात करें अपने गुजरात की, तो गुजरात में 28% से लेकर 30% की निकासी हो चुकी है, और लोडिंग 70% हुई थी, और ये जो आपको हमने निकासी का बताया है ये गुजरात दिशा डिस्ट्रिक्ट है। और इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में जो निकासी है वो 22% से लेकर 25% की है, और लोडिंग हुई थी वो 65% से लेकर 70% की है, और जो भाव चल रहे हैं वो G4 आलू के 2300 रुपये से लेके 2450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहे हैं,
और 3797 1950 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहे हैं। तो संबल की बात करें तो संबल में 20-21% की निकासी हो चुकी है और जो लोडिंग हुई थी वो हुई है 65-70% 2020। अब मैनपुरी की बात करें मैनपुरी जिले की, तो मैनपुरी में 22-25% की निकासी हो चुकी है और उन्होंने बताया जो बीज है वो भी लमसम 25% होगा और जो लोडिंग हुई थी वो 65-70% की लोडिंग हुई थी और जो उन्होंने कहा बचा है वो लमसम 20 और मतलब 25 तो बचा है, अभी कम से कम 30-35% आलू बचा हुआ है। एमपी इंदौर में 25-30% की निकासी हो चुकी है तो अब बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में जो निकासी है 25-28% की हुई है और जो लोडिंग है वो 80-85% हुई थी 2020 में। तो अब बचा है हमारा वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में लगभग सभी जगह मिला के अभी 23-24% के बीच में अभी तक की निकासी हो चुकी है और जो लोडिंग हुई थी वो तो आपको अनुमान पहले से ही दूसरी वीडियो बना चुका था आपको, उसमें मैंने बता दिया था तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो आप लोग जाके जरूर बताएं। तो आप लोग मुझे ये कन्फर्म जरूर कर दें कि जो मैंने आपको निकासी की और लोडिंग की जो बातें बताई हैं कहाँ की सही है और कहाँ की गलत है, ये लोग आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर बताएंगे और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। तब तक के नमस्कार और मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में।